सीतापुर की एक महिला के पेट से तौलिया निकला है। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। आप भी देख लीजिए। अब हम बताते हैं कि आखिर ये तौलिया महिला के पेट में कैसे और किसकी कृपा से आया। ये कारनामा है सीतापुर जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर सुषमा कर्णवाल का। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को शिव गुप्ता अंजुम को ऑपरेशन से बेटी पैदा हुई थी। तभी डॉक्टर ने ऑपरेशन करते वक्त शगुफ्ता के पेट में तौलिया छोड़ दिया। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब शगुफ्ता के पेट में दर्द होने लगा तो सीतापुर से लखीमपुर और लखनऊ तक इलाज हुआ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। अंत में जब 4 महीने बाद डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन किया तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उस दर्द का कारण था तौलिया। जी, मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो 28 सितंबर हुआ, दूसरा वाला जी, और उसमें से तौलिया निकली है और उससे हमारी आँख डैमेज हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो आँख हमारी काट के निकाल दी गई है। अब भी हमारे बहुत तकलीफ है। बेटी का आपके जन्म कब हुआ? 5 जून को हुआ था। कहाँ कराया? ये जिला अस्पताल। वो भी ऑपरेशन से? जी, वो ऑपरेशन से डॉक्टर सुषमा ने किया था। तो कितने महीने आप परेशान रहीं? ये 4 महीने। अब ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि वहाँ पर मेन तो डॉक्टर होती है ना, बाकी तो सब जूनियर होते हैं, वही एक सीनियर होती है, तो उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये हुआ। अभी आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम चलते हुए भी हम कांपते हैं। पीड़िता के पति मोहम्मद फैजान ने पूरी घटना बताई और ये भी कहा कि जब मैंने डॉक्टर मैडम से शिकायत की तो वह बोली कि मेरा गला काट दो। घटना ये कि हमारी बेटी पत्नी को जो है बेटी का जन्म हुआ था जिला महिला अस्पताल सीतापुर में, जो ऑपरेशन के द्वारा हुई थी और ऑपरेशन डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। उसके फौरन ऑपरेशन के बाद से मेरी पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और उल्टियाँ होने लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये अभी ताज़ा ऑपरेशन, इसलिए दर्द हो रही, उल्टियाँ भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। लेकिन ये परेशानी ठीक नहीं हुई और लगातार दर्द पेन बहुत होता रहा इनके, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। दवा खाती थी तो आराम हो जाता था, फिर छुट्टियों के घर पर आ गई, फिर भी घर पर भी कोई आराम नहीं मिला। कई दिन दवा खाने के बाद में जब इन्होंने वहाँ पे करीब 10-15 दिन के बाद अपनी ऑपरेशन की जगह को छू के देखा तो वहाँ पर एक गांठ जैसी लगी, टाइट सा कड़ापन महसूस हुआ, उसमें दर्द भी बहुत था। तो उन्होंने कहा कि दोबारा हमने उनको डॉक्टर सुषमा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि स्वेलिंग आ गई है और दवा खाई सही हो जाएगा। हम उनकी दवा लगातार खिलाते रहे, कुछ आराम मिला, लेकिन फिर और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई और उस तौलिया ने एक आँख को डैमेज कर दिया, जिस पर वो चिपक गई थी वो आँख डैमेज हो गई, वो आँख काट कर निकालनी पड़ी, जिससे काफ़ी इनका शरीर नुकसान भी हो गया। तो तौलिया निकलने के बाद में उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इतने महीनों की जद्दोजहद के बाद आपने क्या पहले कोई शिकायत वगैरह की? जी, हमने पहले तो डॉक्टर साहब से कहा था कि जिन्होंने ऑपरेशन किया था सुषमा कर्णवाल, तो उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यहाँ तक कहा कि मेरा गला काट लो, आगे जो कुछ करना हो कर लो जाके, ये उनकी भाषा थी, यही उनके अल्फाज थे। फिर हमने कोतवाली में शिकायत भी जाके दर्ज की लिखित में, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि काम होगा, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हुआ। फिर हमने काफ़ी दिन रास्ता देखने के बाद में SP ऑफिस में और CMO ऑफिस में और DM साहब के कार्यालय में जाकर एक शिकायत अपनी दी। तो सुना आपने तथाकथित भगवान के कारनामों का खेल। DM और CMO ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन CMS पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब जिला महिला अस्पताल की CMS इतनी लापरवाह है तो इलाज की व्यवस्था क्या होगी? इसका मालिक ऊपर वाला ही है। सीतापुर से अनूप पांडे की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।